लास्ट वीक एप्पल ने न्यू iOS 14 को अनवील कर दिया था अपने WWDC इवेंट में। इस लेटेस्ट iOS 14 में होम स्क्रीन के लिए काफी न्यू कस्टमाइजेशन ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे विजेट्स, पिक्चर इन पिक्चर मोड, न्यू कॉल एंड सीरी इंटरफेस एंड ऐप लाइब्रेरी। इसके साथ साथ काफी छोटे छोटे न्यू चेंजेस दिए गए हैं iOS 14 में। मैंने अपने डेली ड्राइवर iPhone 11 Pro Max में iOS 14 के बीटा 1 वर्जन को इंस्टॉल कर लिया है और आज मैं आपको iOS 14 के सभी न्यू फीचर्स के बारे में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देने वाला हूँ, सो स्टिक अराउंड। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि iOS 14 का रिव्यू वीडियो नहीं है, इट्स जस्ट डिटेल्स अबाउट iOS 14 न्यू फीचर्स। iOS 14 का रिव्यू मैं आपके साथ कमिंग वीक्स में शेयर करूंगा। ऑल्सो मैं वेट करना चाहता था iOS 14 बेटा 2 का, क्योंकि बेटा 2 इज ऑलवेज सेट टू बी मोर स्टेबल। iOS 14 के बेटा 2 की एक्सपेक्टेड रिलीज डेट 5th से 6th जुलाई थी, बट अभी तक एप्पल ने इसे रिलीज नहीं किया है, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने iOS बेटा 1 को इंस्टॉल कर लिया अपने iPhone में। और हाँ, अगर आप अपने iPhone या iPad में iOS बेटा 1 को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा वो आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मेरा नाम है यूडी और आपका स्वागत है टेक जॉटर्स पे। iOS बेटा 1 इंस्टॉल करने के बाद आपको काफी न्यू फीचर देखने को मिल जाते हैं। इनमें से एक है विजिट्स। होम स्क्रीन को लॉन्ग प्रेस करने पर हमें ये प्लस आइकन डिस्प्ले होता है। इस प्लस आइकन को टैप करते ही हमें विजिट गैलरी दिख जाती है। फिलहाल इसमें एप्पल के फर्स्ट पार्टी विजिट्स ही हैं, जैसे कि ये। इनमें से मैं म्यूजिक विजिट सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब विजिट्स के लिए हमें 3 साइजेस अवेलेबल हैं, इसमें से मैं प्रेफर्ड साइज सिलेक्ट कर लेता हूँ और टैप कर देता हूँ ऐड विजिट। ऐड विजिट टैप करते ही ये मेरे होम स्क्रीन पर पिन हो जाता है। एक और विजिट सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेता हूँ साइज, प्रेफर्ड साइज मेरा ये रहेगा इस विजिट का और ऐड। अब देखिए 2 विजिट्स मेरी स्क्रीन पर पिन हो चुके हैं। iOS 14 ऑटोमेटिकली इन विजिट्स को प्रेफर्ड लोकेशन पर पिन कर लेता है और मैं इन विजिट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ कहीं पे भी। अभी इन विजिट्स का साइज मैं स्मॉल या बिग नहीं कर सकता, जो 3 साइज एप्पल ने डिफॉल्ट दिए हैं उनमें से ही मुझे सिलेक्ट करना होता है। विजिट्स पर लॉन्ग प्रेस करते ही हमें 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, रिमूव विजिट्स और एडिट होम स्क्रीन। एडिट होम स्क्रीन पर चले जाते हैं। अब हम इन विजिट्स को रिमूव भी कर सकते हैं और इन विजिट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं अपनी प्रेफर्ड लोकेशंस पर। अनलाइक एंड्रॉयड फोन्स, जहां एंड्रॉयड के विजिट्स को स्क्रीन पर कहीं पर भी ड्रैग एंड ड्रॉप किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल इस सैमसंग S10 प्लस पे मैं विजिट्स को कहीं पर भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके पिन कर सकता हूं। बट iOS 14 में इन विजिट्स को वहीं पिन किया जा सकता है जहां ऐप आइकन अवेलेबल हो। इन्हें मैं स्क्रीन के बॉटम पे पिन नहीं कर सकता अनलेस स्क्रीन के बॉटम पे आइकन्स अवेलेबल हो। हाँ, 2 या 2 से ज़्यादा सेम साइज के विजिट को आप स्टैक भी कर सकते हैं, विच इज़ ए क्लेवर थिंकिंग। आप देख सकते हैं कि मैंने म्यूजिक और नोट्स विजिट्स को स्टैक कर दिया है और स्वाइप करने पर मैं विजिट्स में स्विच कर सकता हूँ और विजिट पर टैप करते ही ऐप लॉन्च हो जाती है। नेक्स्ट न्यू iOS फीचर है ऐप लाइब्रेरी। एंड्रॉयड में हमें 2 स्क्रीन मिलती है, होम स्क्रीन जहां हम कुछ इंपॉर्टेंट और बार बार यूज करने वाली ऐप्स को प्लेस करते हैं और दूसरी ऐप ड्रॉअर, जहां फोन में इंस्टॉल होने वाली सारी ऐप लिस्टेड होती हैं। एप्पल ने इसी आइडिया को इंप्लीमेंट किया है iOS 14 में, बट थोड़े डिफरेंट तरीके से। अगर आईफोन में मैं ऐप्स के लास्ट पेज पर चले जाऊँ तो मुझे मिल जाती है न्यू ऐप लाइब्रेरी। एप्पल ने बेसिकली ऐप्स को मोर ऑर्गेनाइज वे में रखने के लिए ऐप लाइब्रेरी iOS 14 में इंट्रोड्यूस की है, जहां सभी इंस्टॉल्ड ऐप्स कैटेगरी वाइज टैग हो जाती है। फिलहाल ऐप कैटेगरी ऑटोमेटिक ऐप सिलेक्शन करके इन फोल्डर्स में पिन कर लेती है, जो सही नहीं है। जैसे यहां प्रोडक्टिविटी में मेरी बैंकिंग ऐप्स को डाल दिया है और इसे मैं चेंज भी नहीं कर सकता। होपफुली फोल्डर्स को रीनेम करने के लिए एप्पल हमें नेक्स्ट अपडेट में ये ऑप्शन दे दे। ये 3 ऐप आइकन्स पर टैप करने पर डायरेक्टली ऐप लॉन्च हो जाती है और ये 4 ऐप आइकन बेसिकली फोल्डर ओपन करती है। ऐप्स को आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं और सेम थिंग स्वाइप डाउन करने पर भी हमें मिल जाती है। ऑल्सो अब आप ऐप पेजेस को भी हाइड कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए अगेन हमें होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करना है और इन डॉट्स पर टैप करना है। डॉट्स पर टैप करते ही हमें ऐप पेजेस डिस्प्ले हो जाते हैं। अब मैं इन ऐप पेजेस में से सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे कौन से ऐप पेजेस डिस्प्ले करवाने हैं और कौन से नहीं। फिलहाल अभी मैं सभी ऐप पेजेस को डीसिलेक्ट कर लेता हूँ और डन पर टैप कर देता हूँ। अब ऐसा करने पर मुझे सिर्फ होम स्क्रीन पर जो ऐप्स हैं वही डिस्प्ले होंगी और स्वाइप राइट करने पर ऐप लाइब्रेरी। iOS 14 में कॉल इंटरफेस को भी चेंज किया गया है। अगर आप किसी ऐप को यूज़ कर रहे हो और आपको कॉल आ जाए तो अब इनकमिंग कॉल्स ऐसे मिनिमलिस्टिक बैनर में डिस्प्ले होगी इंस्टेड ऑफ फुल स्क्रीन। इसी तरह सीरी भी मिनिमलिस्टिक आइकन में चेंज हो गई है,
बट सीरी एक्टिवेट होने पर आप फोन के बैकग्राउंड ऐप के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते। हे सीरी, हाउ इज द वेदर लाइक? इट्स करंटली हेजी एट 34 डिग्रीज, एक्सपेक्ट क्लियर स्काइज एंड हेजी एयर कंडीशंस स्टार्टिंग टुनाइट। टेंपरेचर्स विल बी फेयरली कंसिस्टेंट, एवरेजिंग अबाउट 33 डिग्रीज। पिक्चर इन पिक्चर मोड को भी iOS 14 में डाला गया है। फाइनली अब आप वीडियोस और फेस टाइम कॉल्स को पिक्चर इन पिक्चर मोड में यूज़ कर सकते हैं। इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको वीडियो में फुल स्क्रीन मोड पर जाना होगा और टैप करना होगा इस आइकन को। आप पिक्चर इन पिक्चर विंडो को बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। Apple Future iOS 14 के अपडेट्स में आपको अपना फेवरेट डिफ़ॉल्ट मेल ऐप और ब्राउज़र यूज़ करने का ऑप्शन देगा। पहले सभी लिंक्स सफारी ब्राउज़र में ओपन होते थे और मेल्स Apple के डिफ़ॉल्ट मेल ऐप में। Apple ने iOS 14 में न्यू ट्रांसलेट ऐप को भी डेब्यू किया है। Hey, how are you? Currently कुछ languages का support इसमें दिया गया है और आने वाले update में ये और ज़्यादा languages support करेगा। Apple ने iOS 14 में new accessibility feature भी add किया है, double और triple tap on the back। Phone की back पर double या triple tap पर quick action perform किया जा सकता है। जैसे मैंने double tap पर screenshot select कर रखा है, but ये feature clean नहीं है। कभी कभी table पर phone रखने पर भी phone इसे double tap समझ लेता है। I assume Apple will fix this। एप्पल ने न्यू मीमोजी भी ऐड किए हैं iOS 14 बेटा में, तो जो लोग इन्हें यूज़ करते हैं, गुड न्यूज़ फॉर देम। ऑल्सो एप्पल ने न्यू स्लीप मोड भी iOS 14 में ऐड किया है। बेसिकली इसे ऑन करने पर डू नॉट डिस्टर्ब एक्टिवेट हो जाता है और नोटिफिकेशंस और अलर्ट साइलेंट हो जाते हैं। ऑल्सो ये ऑटोमेटिक अलार्म भी सेट कर देता है, विच इज़ नाइस। iOS 14 में मैसेजेस ऐप में भी काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। अब आप इंपॉर्टेंट मैसेजेस को पिन कर सकते हैं फॉर फास्ट एक्सेस। और साइलेंट ग्रुप चैट में मेंशन मोड दिया गया है, जिसमें आपको तभी नोटिफिकेशन मिलेगी जब आप ग्रुप में मेंशन किए जाएंगे। इसके अलावा काफ़ी सारे छोटे छोटे चेंजेस ऐड किए गए हैं iOS 14 में। जैसे इस कॉन्टैक्ट में आप देख सकते हैं सेपरेटेड बटन्स दिए गए हैं। कॉल को रिजेक्ट करने पर स्मॉल आइकन डिस्प्ले होता है, विच इज़ प्रीटी नाइस। न्यू प्रिवेसी फीचर भी दिया गया है, जिसमें अगर आपकी कोई ऐप आपके माइक को एक्सेस कर रही होगी तो ये ऑरेंज डॉट दिखाई देता है, और अगर कोई ऐप आपके आईफोन का माइक और कैमरा दोनों यूज़ कर रही होगी तो ये ग्रीन डॉट दिखाई देता है। अभी इस iOS 14 को 2 ही दिन हुए हैं इंस्टॉल किए मेरे आईफोन में, और मुझे हर बार कुछ न्यू एक्सपीरियंस होता है जब भी मैं इसे यूज़ करता हूँ। ये है एप्पल iOS 14 के सपोर्टेड डिवाइसेस, और मैं सरप्राइज हूँ कि ओरिजिनल आईफोन SE में भी iOS 14 सपोर्ट मिलेगा। फिलहाल ये iOS 14 बेटा 1 डेवलपर्स प्रीव्यू अवेलेबल है फॉर एप्पल रजिस्टर्ड डेवलपर्स के लिए, और अगर आप विदाउट डेवलपर्स लाइसेंस इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको इस प्रोफाइल को डाउनलोड कर लेना है। अब आपको इस प्रोफाइल को वेरीफाई करना होगा। प्रोफाइल को वेरीफाई करते ही सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू आप iOS 14 को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, जस्ट लाइक रेगुलर अपडेट। ओके, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन दबाइए, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।